राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्म टाइगर विस पठान की शूटिंग मार्च 2024 से शुरू हो जाएगी। शाहरुख और सलमान ने स्क्रिप्ट को हरी झंडी दिखा दी है। फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने दोनों मेगा स्टार्स को एक साथ बिठाकर स्क्रिप्ट सुनाई है। दोनों को फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद भी आई है। शाहरुख और सलमान को एक महीने पहले अलग अलग मीटिंग्स में फिल्म की कहानी सुनाई गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान और शाहरुख खान को फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद आई है, दोनों ने इसे लॉक कर दिया है। नवंबर से प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा। अगले साल मार्च से फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। यशराज स्टूडियो इस फिल्म को बड़ा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। हो भी क्यों ना, शाहरुख सलमान काफ़ी सालों बाद फुल फ्लैश किसी फिल्म में काम करने जा रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो टाइगर विस पठान हिंदी फिल्म इतिहास की सबसे महंगी फिल्म होगी। फिल्म का डायरेक्शन पठान और वार बनाने वाले डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद करेंगे। सिद्धार्थ आनंद के हाथ से वार 2 जैसी फिल्म निकल गई थी। उनकी जगह पर यशराज फिल्म्स ने अयान मुखर्जी को मौका दिया। शायद इसी वजह से सिद्धार्थ आनंद को टाइगर विस पठान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शाहरुख और सलमान सबसे पहले 1995 की फिल्म करण अर्जुन में नजर आए थे। ये फिल्म अपने समय में काफ़ी बड़ी हिट थी। उसके बाद इन दोनों ने हम तुम्हारे सनम में साथ काम किया। कुछ कुछ होता है में सलमान का गेस्ट अपीयरेंस था, जिसे ऑडियंस ने काफी पसंद किया था। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।